हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल परंसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। और यहां आप देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में एम्बुलेंस आई हुई है। ये अंश ने मुझे दिखाया था, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप इसकी ले ली थी। यहां नहाने धोने के बाद मैं आ गई हूं पूजा रूम में, और अंश भी आ गया है यहाँ पर। मैंने पहले चादर बिछा दी थी कि अंश नीचे बैठ जाए, और मैं उसे सारे फ़ोटो मूर्ति वगैरह जो भी हम पूजा रूम में रखते हैं पूजा करने के लिए भगवान जी को, उसको मैं निकाल निकाल के फ़ोटो मूर्ति सब दे रही थी। और मैंने एक कपड़ा दे दिया था साफ कि वो उससे पोंछते रहे। तो बच्चों को अगर आप इन कामों में लगाओगे तो बच्चे भी थोड़ा बहुत सीखेंगे और बोर भी नहीं होंगे। मैं जब भी कुछ ऐसा पूजा पाठ वगैरह काम करती तो अंश को अपने संग, अगर वो घर पर है तो कोशिश करती हूँ कि वो मेरे संग ज़रूर जाते। फिर ऐसे बच्चा सीखता भी है, सिर्फ किताब 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 के साथ साथ अगर हम बच्चों को थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान दें तो वो भी अच्छा होता है। मेरा तो यही सोचना है। तो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो सारी बुक्स उन्हीं की ही हैं। यूँ तक युवा का तो एकदम सत्यानाश कर देते हैं आप। मोर तोड़ के हाँ, जितना आसपास तकिया लगा सारा तकिया लगा लेंगे, पूरा तकिया का मोर तोड़ के उसका जैसे कि पता नहीं ऑपरेशन कर भी ऑपरेशन तकिया क्या कर देते हैं। देखो अभी अपना फोन लिया है ना, अगर हम सुकून समझ गए फोन लेते सो देखो मतलब आपको फोन ही था सुकून में नहीं, किसी भी चीज आराम से बैठ के मुन क्या कर रही है। अच्छा ये सब, अरे कपड़ा सब बाहर पड़ा है, अरे दरवाजा खुला पड़ा है, अरे यार मोर्टीन जला दे। क्या हॉस्पिटल गए कि नहीं? वहां से फ्री फोन आ गया, उसको नहीं फोन दे रही मैं। तुम ऐसा करो पिकअप कटा के चले जाओ। लड्डू बनाऊंगा बड़ी चिंता को चिंता हो रही है, तो चले जाओ सठौरा वठौरा बांध देना, मैं लड्डू खाऊंगा। ठंडी का नहीं होता तो हम यहाँ भी सठौरा बना नानी तुम्हारी तुम जब हुए थे तीन चार तरीके का बनाई थी, मेथी का तिल का जो नॉर्मल से बनता है वो बेसन का नहीं बना मेरा फिर वो तो लड्डू होता है थोड़ा थोड़ी बहुत। अभी कह रहे हो लड्डू होता है, लड्डू मतलब गोला गोला बनता है। अब लिट्टी को भी, लिट्टी भी गोल गोल होती है तो उसको भी लड्डू बोल दो। लिट्टी लिट्टी गोल पर होती है, गोल थोड़ी सी चिपटी है तो अच्छी बाय है, मतलब क्या है लिट्टी बोल रही हो लड्डू हो गई। उन्हीं में चोट कैसी लगी है? हाँ देखती कोहने में चोट लगी है, हमें पता ही नहीं। वो लग जाती तो उस बार मेरे को भी नहीं पता चला। सामान पहले से बनवा के नहीं लेने जाती, इतना सोच सोच के कल कुकी या कंट्रोल से कलवान कलवा के ताकि जी करने से उनको पुलिस के लिए बनाती। हमारा फार्मूला हमारे ही। मैं आ गई हूँ किचन में, शाम के बजने वाले हैं 5 और मुझे भी बनाना है साबुदाना का वड़ा। मेरा फास्ट नहीं है, फिर भी मैंने साबुदाना भिगो के रख दिया था, इसे मैंने भिगो दिया था 3 बजे के लगभग। तो ये साबुदाना ये देखिए, इसका पानी मैंने निकाल दिया है
और ये है एक बॉइल्ड आलू। तो इसका मैं साबूदाने के वड़े बनाऊंगी और रेसिपी मैं आपसे शेयर इस वीडियो में नहीं करूंगी क्योंकि साबूदाने के वड़े की रेसिपी मैंने दूसरी वीडियो में शेयर की हुई है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चाहें तो उस लिंक से जाके वीडियो को देख सकते हैं और रेसिपी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इस आलू में इस आलू को इस साबूदाने में मिक्स कर दूंगी और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के वड़े बनाना शुरू करूंगी। और आज मैंने साड़ी पहनी हुई है क्योंकि पूजा वगैरह में टी शर्ट लोअर थोड़ा अच्छा नहीं लगता और नवरात्रि का पहला दिन है आज। और मेरी मम्मी और सास सब लोग ये कहते हैं कि बेटी बहू जो होती है साड़ी वगैरह भी अच्छी लगती है तीज त्यौहार पर बस। और मैंने बहुत ज़्यादा कुछ पूजा का सामान नहीं मंगवाया था, जो मेरे पास जैसा भी अवेलेबल था मैंने उसी से ही पूजा कर लिया है। थोड़ा बहुत सामान तो हम घर में पूजा का सभी रखते हैं जो डेली पूजा करते हैं, तो बस उसी से ही कर लिया था और बाहर मैंने इनको नहीं भेजा था। तो बस अब इसको मैं ये आलू और साबूदाने को मैं मिक्स कर रही हूँ और इसमें नमक मसाले और जीरा वगैरह मिर्ची सब डाल दूंगी। और अभी नहीं बनाऊंगी इसे, मैं शाम को 6 बजे के बाद बनाऊंगी, जब मैं शाम वाली पूजा करके आऊंगी तब चाय बनाऊंगी और ये वड़े बनाऊंगी। बस मिक्सचर इसका रेडी करके रख दे रही हूँ क्योंकि जब मैं पूजा करके उठूँ तो बस फटाफट से ये बनाना ही रहे, कुछ करना ना रहे, इसको फ्राई करना रहे। एवरीवन गुड मॉर्निंग। और ये वीडियो मैंने कल स्टार्ट की थी, आज ख़त्म कर रही हूँ बिकॉज मेरे कान में कल दर्द हो रहा था। और जब मतलब सब कुछ ठीक था तो उन्होंने मुझे कहा था कि चलो डॉक्टर को दिखा दूँ, तो मैं कान के डॉक्टर के पास जाने से डर रही थी, तब गई नहीं। और अब कुछ कर नहीं सकते, 21 दिनों तक तो कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद ही देखा जाएगा। तो बस मैं नहीं एंड कर पाई इस वीडियो का। और कल जब जैसे कि नवरात्र का फर्स्ट डे था तो मैंने क्या किया कि जो घर में पूजा का सामान था, जैसे कि हम डेली पूजा करते हैं तो थोड़ा बहुत पूजा का सामान सबके पास होता ही है, हाँ जैसे कि नवरात्र है कोई अलग से कोई पूजा होती है, रेगुलर वाली पूजा छोड़ते तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से सामान मंगाना पड़ता है। तो मैंने ऐसा कुछ भी बाहर से मंगाया नहीं था, जो मेरे पास था उसी में ही मैंने पूजा किया है। और भगवान सब समझते हैं, बस आपकी आस्था और आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तो बस जो था मैंने उसी में ही पूजा कर लिया, सच्चे मन से पूजा करो, हाथ भी जोड़ लोगे आप सच्चे मन से तो वही बहुत होता है। तो इस वीडियो का एंड मैं अब कर रही हूँ और पी रही हूँ यहाँ मॉर्निंग टी। सुबह के बज रहे हैं 7:30 क्योंकि हम लेट ही उठते हैं, लेट का मतलब कि 6:30-7:45 तक उठते हैं, किसी को ऑफिस स्कूल जाना नहीं है। तो आराम से उठती हूँ और अब चाय बना दी है, अभी तक हमारा दूध वाला आया नहीं है, तो जितना भी दूध था घर में सब ख़त्म हो चुका है। तो जब और कल हमारी सोसाइटी में एम्बुलेंस आई थी, मैं देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी एम्बुलेंस को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई कोरोना पॉजिटिव है या ऐसा कुछ हो, तो कोई लेडी किसी लेडी की डिलीवरी होने वाली थी तो इसलिए एम्बुलेंस आया था। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं एम्बुलेंस को देख के इतना ज़्यादा डर गई थी। तो प्लीज़ आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस और इन्होंने भी कह दिया कि ऐसी चीज़ें यूज़ करो, मतलब चीज़ें मतलब बहुत जैसे रूटीन में हम खाना बनाते हैं वैसे मत करो, क्योंकि हम बाहर ना ही जाएं तो ही अच्छा है। तो बस मैं ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ कि वो थोड़ा मतलब अपने हिसाब से यूज़ करो कि जो 2 दिन की चीज़ है वो 3-4 दिन चल जाए। तो इन्होंने मुझे कहा तो इनकी बात मुझे बहुत सही लगी कि क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, 2-4 दिन थोड़ा अगर हम अपने हिसाब से थोड़ा कम आइटम बनाएंगे या इतना चीज़ें जैसे रोज़ 10 चीज़ बनाती हूँ तो किसी ने अब 5 चीज़ बना लूँ, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप इतना चीज़ डेली बनाओगे। कोई आपके घर में मेहमान नहीं आने वाला, कोई आपके यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने वाला कि आपको चीज़ें खरीदनी ज़रूरी है। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ और इसके बाद से मैं स्टार्ट करूँगी आज का ब्लॉग, मतलब आज थर्सडे, हाँ थर्सडे वाला ब्लॉग स्टार्ट करूँगी और ये वीडियो यहाँ भेजूँगी, यहाँ एडिट करके पोस्ट करूँगी। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में,
और साबुदाना वड़े की जो रेसिपी है वो आपको मिल जाएगी लिंक में। कल साबुदाने का वड़ा बहुत अच्छा बना था, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। जो 9 दिन के नवरात्र व्रत हैं या ऐसे भी खा सकते हैं, मैं तो व्रत नहीं थी फिर भी मैंने बनाया था, ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो चलिए, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।